हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दबा के पटाखे फोड़ो, दबा के जो है मस्त दीपावली मनाओ। छुट्टियां पड़ी होंगी सबकी, टपा टप टपा टप टपा टप फोड़ो पटाखे। काफी जो मेरे दोस्त हैं वो सारे ये पूछ रहे थे कि तू वीडियो किस कैमरे से बनाता है, कौन सा कैमरा यूज करता है, एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करता है। तो आज मैं आप सभी लोगों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, और साथ ही एक मेरे लिए एक सरप्राइज भी है। मतलब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि मैंने अभी एक नया कैमरा, लॉक कैमरा बाय किया है। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जो मैं वीडियो बनाता था वो मैं अपने सेलफोन से ही बनाता था, जो कि है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, और जिसका कैमरा है 64 MP, फ्रंट कैमरा है 32, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। और 64 से मैं सिनेमेटिक व्यू वगैरह सारा जो भी था मेरा सिनेमेटिक व्यू सारा बैक कैमरे से ही लेता था। अब जो है मैंने एक कैमरा बाय कर लिया है इस दीपावली, जो कि है मेरा पहला कैमरा, मेरे ब्लॉग चैनल का पहला कैमरा, और ये है अकाशो EK7000 Pro, जो कि कल ही मेरे पास पहुंचा है ऑर्डर। तो अभी फिलहाल मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आधी वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ, आधी वीडियो मैं व्लॉग कैमरे से बनाऊंगा। इसकी भी आपको कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल से अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे मैंने खोल के तो देख लिया। अकाशो EK7000 Pro, जो कि 4K है। अभी इसका जो है मैं आपको सारा एक्सेसरीज वगैरह खोल के दिखाता हूँ, और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, खोल के देखते हैं। और ये है मेरा न्यू एक्शन कैमरा EK7000 Pro। तो अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पहले इसकी बाहर सारा स्पेसिफिकेशन दे रखा है, जैसे कि ये टच स्क्रीन है, और इमेज स्टेबलाइजेशन है, और एडजस्टेबल व्यू एंगल है, वाइड एंगल, सुपर एंगल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इसमें जो है आपको वायरलेस नेटवर्क है, व्यू एंगल लेंस एडजस्टेबल, 2.4G रिमोट कंट्रोल भी आपको इसमें इंक्लूड रहेगा। और जो इसका वाटरप्रूफ है वो है 131 फीट, जो कि काफी अच्छा आपको मिल रहा है। तो ये है फुल 4K HD, और इसमें आप माइक्रो USB HDMI यूज कर सकते हो। मल्टी लैंग्वेजेस है ये, काफी सारे इसमें आपको लैंग्वेजेस में आपको लैंग्वेज मिल जाएंगे, जो कि आप सेटिंग में जाओगे। तो चलो इसको माउंटिंग से एक बार निकालते हैं। ये देखिए, ये आपका जो ये जो आपको केस दिख रहा है, इसका वाटरप्रूफ का केस है। तो कई लोगों को जो है ये वाटरप्रूफ केस खोलना भी नहीं आता, तो इसको आराम से आप पुल कीजिए, देन ये इजिली आपको जो है दिख जाएगा। ये है जो है आपका मेन जो कैमरा है, ये है अकाशो EK7000 Pro, ठीक है। काफ़ी सारी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाएगी इसमें, जैसे कि बेल्ट वगैरह, इसका जो है स्टैंड पे लगाने के लिए बेल्ट वगैरह, ये आपका चार्जर है, आप चार्जर लगा सकते हो, और ये बहुत सारी एक्सेसरीज इसमें आपको मिल जाएगी। इतनी तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा इसके लिए क्या क्या है, कौन कौन किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। लेकिन इतनी सारी एक्सेसरीज अगर आपको मिल रही है किसी कैमरे के साथ, तो आप जरूर उसको बाय कीजिए, क्योंकि आपको अगर इसमें जो है चार्जेस नहीं लगाने पड़ेंगे। ये देखिए, ये रिमोट है इसका, और ये आपका माउंटिंग वाला ब्रैकेट है। ये देखिए, इतनी सारी आपको एक्सेसरीज इसमें मिल रही है। बोलना मत चुप रहना। तो ये देखिए, ये है मेमोरी कार्ड, और ये इसका मेमोरी कार्ड लगाने का स्पेस। मेमोरी कार्ड लगाइए, ये मेमोरी कार्ड मैंने इसमें लगा दिया। ये ऑन वाला बटन है, ये आपका जो है रिकॉर्डिंग वाला बटन है, अप एंड डाउन का बटन है। तो चलिए ऑन करते हैं इसे क्लोजली। ये देखिए, इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा। आप जो है सेटिंग में जाके अलग अलग इमेज स्टेबलाइजेशन एंड देन एंगल देखेंगे, तो आपको सुपर वाइड एंगल देखने को मिलेगा, वाइड एंगल देखने को मिलेगा, और मीडियम एंगल आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे हिसाब से तो सुपर वाइड एंगल सबसे बेस्ट है इसमें। देन अब जो हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो हम जो है व्लॉग इस अकाशो EK7000 Pro से करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा अब
7000 प्रो से आने वाला है। वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो है मैं ब्लॉक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा। क्यों भांजे, ठीक है ना कैमरा? बहुत बढ़िया। मेरे व्लॉग कैमरे का व्यू और मेरे हिसाब से इसमें वाइड एंगल थोड़ा स्टेबलाइजेशन का मेरे को कम लगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन इतना खास नहीं लगा मुझे। तो आप इसमें सुपर वाइड एंगल यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है बिगिनर्स के लिए ये कैमरा, तो आप यूज कीजिए और बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल सौरभ ब्लॉग को।